என்னும் போலிர போஸ் ஏசி சாடி இல்லாதே ஹோ ऐसी साड़ी ला दे हो ये जिसकी चमा के निराली बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमा के निराली जिसकी चमा के निराली हो जिसकी चमा के निराली बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमा के निराली कहती है। और मेरे विद्वान श्रोताओं सच्चाई भी है कि साड़ी के चार पल्लू होते हैं, थोड़ा बहुत समाज बचा है, नहीं तो साड़ी का तो लेना देना ही चले जाने वाला है थोड़े दिन में। पश्चिमी देशों की सभ्यता इतनी हावी होने वाली है हमारी संस्कृति पर, विनाश करके रख देगी इस भारत का, याद रखना। साड़ी के चार पल्लू होते हैं और आज तो हेलीकॉप्टर छपवाए जाते हैं, लेकिन वो भाभी न्यू कहने लगी कि पहले पल्लू पे क्या हो और सबसे पहले किसका फोटो हो। आइए के बताया मेरी साड़ी ऊपर, साड़ी ऊपर फोटो में, मेरी साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में वो राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, और रक्षा मंत्री भारत के, रक्षा मंत्री भारत के, भाई रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवाहर भी हो, भाई हंसते हंसते और जेलो अंदर बढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते पानी पहुंचाए, काले पानी पहुंचाए, वीरों ने जाने कपाली बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमा के निराली, जिसकी चमा के निराली हो, जिसकी चमा के निराली बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमा के निराली। एक एक शब्द देखिए बाबूजी, साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हैं, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, और गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो, काले पानी पहुंचाए वीरों ने जान खपा दी, बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, वीर सावरकर को जेलर ने कहा कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ,
क्योंकि तुम्हें एक डेढ़ घंटे बाद फांसी दी जाएगी। कोई आपको भगवान की प्रार्थना करनी हो तो वह कर लीजिए, या कोई याद करना हो उसे याद कर लीजिए, या कोई तैयारी करनी हो तो तैयारी कर लीजिए, एक डेढ़ घंटे बाद फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। प्रेमी सजनों, इतना आदेश दे करके जब जेलर चला गया तो वीर सावरकर बहुत खुश हुए, हंसमुख चेहरा था। जेलर को पानी नहीं बचा, थोड़ी देर बाद आया और आकर के यूं देखने लगा कि ये कर क्या रहा है। तो दंड बैठक लगा रहे थे, दंड पेल रहे थे वीर सावरकर। जेलर आश्चर्यचकित रह गया और कहा, अरे एक घंटे बाद तुम फांसी पर चढ़ जाओगे, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी नहीं है और तुम दंड बैठक लगा रहे हो जैसे लंबी जिंदगी जीनी हो। तो साथियों, वीर सावरकर बड़े जोर से हंसे और जेलर ने कहा, क्या मरने का खौफ तुम्हारे दिलो दिमाग में नहीं है? तो कह दिया सजनों, एक लाइन में लिखता भी तो है शायर, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कह दिया, ए जेलर साहब, मैं अपनी आत्मा को भी बलवान बना रहा हूं और विनती कर रहा हूं हसमुख तरीके से अपनी भारत माता से कि हे मेरी भारत माँ, अगर गलती हुई हो तो क्षमा कर देना, तेरी आजादी को पूरा नहीं अधूरा छोड़ के जा रहा हूं, अगर हो सके तो मुझे अपनी कोख में बिठा करके दोबारा भारत में जन्म दे देना, जिससे मैं अंग्रेजों को भगा सकूं और तेरा मुकाम पूरा कर सकूं, मैं ये कह रहा हूं। आइए दूसरी कली में क्या जिक्र किया है सजनों। भाई चंद्रशेखर ना, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, लाश बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव वे बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, अरे राजगुरु सुखदेव जलिया वाले बाग का झलसा, जलिया वाले बाग का झलसा, उस जलिया वाले बाग का झलसा जहां टायर फायर करता हो, और भारत का बदला लेने लंदन में शेर चलता हो, उस ऊधम सिंह की घोड़ी पे लंदन में टायर मरता हो, उस ऊधम सिंह की आप मर्या डायर मारा, आप मर्या गया ना वार कति काली बोसे सी साड़ी लाग हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली बोसे सी साड़ी लाग हो, जिसकी चमक निराली। बाकी हैं, तीसरे पल्लू पे वो नेताजी की भाभी जो छपवाना चाहती है, जरा ध्यान दे के सुनना कैसी संस्कृति थी इस देश की, लेकिन क्या हो गया सजनों। ए राम लक्ष्मण, हे राम लक्ष्मण राज छोड़ के पण में धक्के खाते हो, सजनों राम लक्ष्मण और सीता तीन व्यक्ति बन को गए थे तीन, और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी के साथ 14 साल बन में रहे, और जब 14 साल के बाद वापिस आए, तीन गए थे और तीन ही वापिस आ गए, ये श्री राम की संस्कृति है।
लेकिन आज अपने छोरे ने बहू के साथ भेज दो 12 साल के लिए, 6-7-8 बच्चे साथ में ना हो तो मेरी गारंटी है, जिम्मेदारी। लेकिन हम क्या करें, हमने तो वो काम कर दिया जिस परमात्मा ने हमें बनाया था। हम इतने जादूगर निकले कि हमने उस परमात्मा को ही बना डाला। शास्त्री जी क्या बताया तीसरी कली में, तेरे राम लक्ष्मण राज छोड़ के पण में धक्के खाते हो, अरे हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो। जगदेव पमार काट के गर्दन तान में शीश चढ़ाते हो, जगदेव पमार काट के गर्दन तान में शीश चढ़ाते हो। और पौराणिकों ने लिखा है, अरे राजा मोर ध्वज चीर के लड़का कृष्ण का शेर जमाते हो, भाई हिरणा कुश प्रहलाद भक्त को लाल खंभ पकड़ाते हो, राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाता कष्ट मिटाते हो, राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाता कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो, समाज सेवी और जिस वाटिका में आज ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें बड़ी अहम भूमिका उनकी है, श्री स्वराज यादव जी रजोकरी, 500 रुपए पहले भी दिए थे और इस देशभक्ति से ओत प्रोत इस गीत पर, महापुरुषों के इस गीत पर 2100 रुपए से इन बच्चों का, इन कलाकारों का मान सम्मान करते हैं। जोरदार तालियां बजा के हौसला अफजाई करें। अंतिम कड़ी इस गीत की आपके बीच में प्रस्तुत है, जिसमें बताया कि जो पढ़ने लायक ग्रंथ है वो सारे ग्रंथ मेरी साड़ी पे होने चाहिए, लेकिन आजकल संस्कृति ऐसी बदल गई, जितने लोग यहां बैठे होंगे संभवतः कोई बिरला ही वेद पढ़निया होगा, रामायण पढ़निया भी कम हो गए, गीता पढ़निया भी कम हो गए। उपन्यास का जमाना आ गया जिसमें पहले पन्ने पर लिखा हुआ होता है कि घटना काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। आइए चौथी कड़ी में क्या बताती है, कैसे यही बात है। अरे रामायण रे, हे रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो, लाल किले पे उस लाल किले पे उस लाल किले पे तिरंगा हो झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा हो झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान कहे सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का नेता सर छोटू राम भी संग में हो, और भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो, भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो, और साक्रोध के नक्शे पे सब दिखे